जहां एक और स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ हो चुका है, वहीं मुट्ठी क्षेत्र में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्वच्छ योजनाओं की पोल खोल रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जहां एक और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ढेरों योजनाएं बनाई जा रही हैं, वहीं मुट्ठी क्षेत्र में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्वच्छता के दावों की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। गंदगी का आलम यह है कि बच्चों को मुंह पर रुमाल बांध कर पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में देश का भविष्य कितना उज्जवल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक सोहन सिंह ने कहा है कि स्कूल में तीन तरफ से गंदगी से भरा नाला है, जिससे नाले की बदबू स्कूल के कमरों में फैल जाती है और इसी गंदगी के आलम में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। और तो और, स्कूल की दीवार के साथ कूड़े का डंपिंग पॉइंट भी बनाया गया है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। इसे शिफ्ट करने के लिए वो संबंधित अधिकारियों से भी मिले, पर नतीजा सिफर ही रहा। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मासूम बच्चे हैं, जहां जो पढ़ते हैं, स्कूल के तीन साइडों में गंदा नाला है जी। एक साइड जो है वो किसी का घर है और तीनों साइडों में जहाँ से लेकर इस दीवार के साथ साथ भी जहाँ जितने कमरे बने हुए हमारे तीन चार कमरे जहाँ भी क्लासरूम है बच्चों के, बैक साइड जो है वो गंदा नाला है। और गंदा नाला साफ तो कभी हमने देखा नहीं, कभी करते हैं हम प्रेशर भी डालते हैं, कभी लोगों को कहते हैं कि स्वीपर जो आते हैं उनको भी हम पर्सनली खुद बोलते हैं कि रोज़ इसकी सफाई करो, और स्मेल जो है पूरे कमरों में आती है। जितने भी बैक साइड जो है ना, जितने कमरे हमारे चार पाँच जो बने उनके बैक साइड नाला बह रहा है, वो गंदा है। और उसके साथ जो जिनके घर हैं, तो मेरे ख्याल में उनके घरों का भी गंदगी उसी नाले में आती है। तो अप्रोच हम कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो डस्टबिन वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, रोज़ यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, वो लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, लोग भी आते हैं, लोगों को भी हमने अवेयर करने की कोशिश, रैलियाँ भी निकाली बच्चों को भी लेकर के, जहाँ गंदगी नहीं फैलाओ, स्वच्छ भारत है जी, क्या स्वच्छ भारत है, उससे हम कह तो रहे हैं लोगों को, लेकिन आगे हम करने पर डिपेंड करता है, हम किसी को लाठी तो मार नहीं सकते। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रिंकू चौधरी ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने भी डंपिंग पॉइंट शिफ्ट करने पर जोर दिया है। पॉइंट है, इसकी वजह से काफी हमें स्कूल का जो वातावरण है काफी खराब हो चुका है। इसे पढ़ने वाले बच्चे कम से कम चार पांच बच्चा इस गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुट्ठी में पढ़ते हैं। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा और म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर साहब से, इस डंपिंग को जल्दी से जल्दी उठाया जाए, जो आम लोग आम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको राहत मिल सके, और आम स्टाफ जो पढ़ाते हैं बच्चों को उनको भी राहत मिल सके। स्कूल की शिक्षिका ने तथा बच्चों ने हमारे संवाददाता के माध्यम से कहा कि गंदगी और बदबू के कारण स्कूल में खाना तक खाने का मन नहीं करता और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता। उन्होंने प्रशासन का ध्यान स्वच्छता अभियान की ओर दिलवाते हुए स्कूल परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सफाई करवाए जाने की अपील की है। वी आर सफरिंग अ लॉट, जब से मैं इस इंस्टीट्यूशन में आई हूँ मैंने ये देखा है इस सराउंडिंग एरिया में बहुत गंदगी है, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे और हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है पढ़ाने में भी। हम बात करते हैं स्वच्छता की, हम बात करें क्लीननेस की, लेकिन ये ओनली इन राइटिंग होगा, ये हमें ये मानने नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो कल के नेता हैं, जो कल के हमारे स्कॉलर्स बनेंगे, जो कल के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, वो इस गंदगी में पढ़ेंगे, वो बीमारियों का उनको बीमारियां लगेंगी, वो डिजीज हो जाएंगे, ये सब बहुत, क्योंकि आपको पता है ये गंदगी से कितनी टाइप की बीमारियां फैल रही हैं। और हमारे स्कूल के साथ मुझे जो डीएम बारकसरा जैसे इकट्ठा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे बड़ी स्मेल आती है स्कूल में, और पढ़ने में हमें थोड़ी परेशानी होती है, और जब हम बाहर जाते हैं बड़ी स्मेल आती है, लंच ब्रेक के रिसेस टाइम कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो हमारा ये आपसे सभी को ये कहना है कि ये कचरा जो है यहाँ से उठाया जाए और कहीं और पे शिफ्ट किया जाए। वरुण शर्मा, 7+ चैनल।